नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। रन जमा दे, आईपीएल 8 का आगाज होने वाला है आपसे कुछ देर बाद, और इस स्टूडियो में मेरे अलावा जो जो बैठा हुआ है वो पहचान का मोहताज नहीं है। वर्ल्ड कप कवर करके ऑस्ट्रेलिया से अभी अभी लौटे विक्रांत, मदन जी और चेतन जी, आप तीनों का स्टूडियो में स्वागत है। आज आप एंकर के तौर पर या एक्सपर्ट के तौर पर? एंकर के तौर पर। समीप ने बड़ी दिलचस्प बात की कि आईपीएल है, 8 टीमें हैं, 46 दिन है, चैंपियन एक होगा, लेकिन आप हर रोज जीत सकते हैं क्या? एक बाइक। जी टीवीएस हाँ, एक बाइक हर रोज आप जीत सकते हैं। रोज जीत सकते हैं, जी हाँ, टीवीएस की बाइक। और बड़ा हमने, आपने हेडलाइन में भी सुना होगा कि एक आसान सा सवाल का जवाब दीजिए और उसके बाद ले जाइए अपनी टीवीएस बाइक, यानी कि रोज एक चैंपियन हमारे यहां से बनेगा। सिर्फ आपको देखना है कि उस सवाल क्या, उसका जवाब आपको देना। थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पर वो सवाल भी आएगा, लेकिन आज बड़ा मुकाबला, पिछले साल के चैंपियन कोलकाता और सामने उससे पिछले साल के चैंपियन मुंबई। ये मुकाबला ईडन गार्डन्स में है। कोलकाता में पिछले 2-3 दिन से बरसात हो रही है, कंडीशंस पता नहीं कैसी वहां पर होंगी, जी हाँ, लेकिन बड़ा मुकाबला, बड़े मुकाबले से शुरुआत यहां पर होने जा रही है। जी हाँ, बड़े मुकाबला, और बड़े मुकाबले में दोनों टीमों की तैयारी कैसी है, क्योंकि पहला मैच बहुत अहम होता है। आपको याद होगा पिछले साल आबू धाबी में भी ये दोनों टीमें आमने सामने थी और मुंबई इंडियंस 41 रनों से हार गया था और उसके बाद लगातार मुकाबला हारता चला गया। तो मुंबई इंडियंस के लिए एक अच्छी शुरुआत की जरूरत है और डिफेंडिंग चैंपियन के लिए एक जीत वाली शुरुआत। हवाओं में फिर से क्रिकेट की खुशबू है, फिजा में फिर से रनों के रंग है, और देश कह रहा है रन जमा दे। क्रिकेट कार्निवाल ऑस्ट्रेलिया से उठकर अब इंडिया में आ गया है। अगले 47 दिनों तक पूरी दुनिया की नजरें इंडिया के ही मैदानों पर जमी रहेंगी, क्योंकि शुरू हो रहा है रोमांच को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला एक्शन। पहले ही मैच में दो चैंपियन टीमें भिड़ गई, यानी मुकाबला हाई वोल्टेज होगा, जरूर होगा। पहले ही मैच में सुर्खियों का सरताज बनने के लिए दोनों टीमों ने जोरदार तैयारी की। कोलकाता के पास गंभीर जैसा कद्दावर कप्तान है जिसने इस टीम को 2 बार चैंपियन बनाया। इस टीम के पास रॉबिन उथप्पा जैसा ओपनर है जिसने रणजी में सबसे ज्यादा रनों का अंबार लगाया। इस टीम के पास मॉर्ने मॉर्कल जैसा गेंदबाज है जो वर्ल्ड कप में बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट था। इस टीम के पास अनुभव भी है और जोश भी, सबसे बढ़कर अपने घरेलू मैदान पर खेलने की मनोवैज्ञानिक बढ़त भी। जब तक इस टीम में सुनील नारायण होगा तो ये टीम हमेशा एक दावेदार होगा वर्ल्ड आईपीएल जीतने के लिए, क्योंकि सुनील नारायण ऐसे गेंदबाज है जो किसी भी गेम को खींच के वापस लाते हैं। मुझे तो याद नहीं एक भी मैच उन्होंने 7 या 8 की औसत से ज़्यादा रन दिए हैं T20 क्रिकेट में, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैचेस देखेंगे तो 3, 3.5, 4 रन की औसत से देते हैं प्रति ओवर। और जब आपके T20 क्रिकेट में 20 में से 4 ओवर ऐसे चले जाएं तो फिर मैच ही वहाँ बदल जाता। सुनील नारायण डालते कब है, एंड में, आखिरी के 2 ओवर, पावर प्ले के 1 ओवर, तो जब डिफिकल्ट समय आता है तो सुनील नारायण को गेंद दिया जाता है। तो जब तक सुनील नारायण है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में, तब तक वो जरूर दावेदार होंगे। दूसरी ओर मुंबई भी कम नहीं, उसके पास रोहित शर्मा और केरन पोलार्ड जैसे पावर हिटर हैं, मलिंगा और हेजलवुड जैसे चैंपियन गेंदबाज हैं, तो हरभजन के रूप में फिरकी का बड़ा फनकार भी, सोने पर सुहागा कोलकाता को धोते रहने का रिकॉर्ड भी है। आईपीएल में दोनों टीमों के बीच 14 मुकाबले हुए जिसमें से 10 में बाजी मुंबई ने मारी, सिर्फ 4 में कोलकाता का कौरबो लौड़बो जीतबो मिशन कामयाब हुआ। थोड़ा सा बैटिंग में उनको ताकत बनाने की ज़रूरत है। एक रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा, किरण पोलार्ड और उनके साथ है कोरी एंडरसन। बैटिंग मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमज़ोर लगता है। बॉलिंग बहुत बेहतरीन है, लसित मलिंगा, हरभजन सिंह, प्रज्ञान ओझा, तो इस टीम में बॉलिंग की बैलेंस बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बैटिंग का जो बैलेंस है वो थोड़ा सा कमजोर है मुंबई। तो वैसे विक्रांत, 14 मैचेस हुए हैं, इसमें से 10 मुंबई इंडियंस जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि पिछले कुछ मैचेस में कोलकाता नाइट राइडर्स इन पर हावी रहे। कप्तान चेंज हुआ, टीम सेम खिलाई गई, और आपको बता दें कि कोलकाता की बात की है समीप ने, कोलकाता से सौरव गांगुली भी जुड़ गए हमारे, क्या बात है, दादा भी जुड़ गए हमारे साथ। लेकिन मदन जी से करना चाहते हैं। जी हाँ, मदन जी से करना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं किस तरीके का रंगारंग झमाझम स्टूडियो है हमारा, और इसी तरीके का रंगारंग क्रिकेट भी जो है वो शुरू होने वाला है। दादा भी है, और हम उम्मीद है कि इसी तरीके का जो है क्रिकेट जो है वो कलरफुल क्रिकेट अब शुरू हो गई है और ऐसी रोमांचक मैचेस भी होंगे।
मदन जी, चेतन जी, आप भी इंतजार करते हैं आईपीएल का, आप भी हमेशा आईपीएल की बात करते हैं। चेतन जी, पहला सवाल आपसे, सवाल ये कि आज का पहला मुकाबला कितना अहम, क्योंकि हमने पिछले वर्ल्ड कप बोल रहा हूं, आईपीएल से अगर हम यहां पर उदाहरण के तौर पर लें तो एक ने जीत के साथ शुरुआत की थी, इन्हीं दोनों के बीच मैच मुकाबला हुआ था अबू धाबी में, और मुंबई ने हार के साथ शुरुआत की थी और फिर मुंबई को जीत की लय पकड़ने में बड़ा वक्त लग गया था। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है वेल बिगन इज हाफ डन, तो शुरुआत करना बहुत ही जरूरी है, और आप एक बार शुरू कर देते हैं तो फिर क्या वो मोमेंटम आपको मिलता रहता है। और पहला मैच यदि आप जीत जाते हैं तो फिर आप कॉन्फिडेंस के साथ उस टूर्नामेंट के अंदर जाते हैं। और बैलेंस भी देख रहा हूं मैं, थोड़ा सा मुंबई इंडियंस का बैलेंस थोड़ा सा मुझे कोलकाता नाइट राइडर्स से इस बार इस सीजन में ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन कैसे, कौन खेलता है, खेलता कौन, कैसा है, उस बराबर हो जाता है। ईडन गार्डन्स में खेल रहे हैं क्योंकि कोलकाता का घर है वो। अब देखिए, टीम खेलती खेलती कैसे, अल्टीमेटली यही हो जाता है कि उस दिन टीम खेलती कैसी अच्छी है और कौन प्लेयर अच्छा करता है, और उसके ऊपर निर्भर करता है। मदन जी, टॉस जीत कर कोलकाता नाइट राइडर्स पहले गेंदबाजी कर रहे हैं। अक्सर हमने देखा इनका जो जीत का फॉर्मूला था वो बाद में गेंदबाजी करते थे, उनके पास सुनील नारायण थे। अब सुनील नारायण का एक्शन बदला है, क्या सोच बदली है, क्योंकि ऐसा कम हुआ है कि कोलकाता चेज करना चाहता। देखिए, ये पहला मैच है आईपीएल का, इसलिए मेरे को लगता है कि गौतम गंभीर जो कैप्टन है केकेआर के, वो बॉलिंग करना चाह रहे होंगे। और एक बात और कहना चाहूँगा कि सुनील नारायण की अगर आप बात कर रहे हैं तो सुनील नारायण जो है, मैं देखना चाहूँगा कि कितना उनका एक्शन जो है चेंज हुआ, कितने ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, वो बिस्तरी गेंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और दूसरा बात है कि केकेआर का जो अटैक है बड़ा बैलेंस अटैक है। देखिए, उमेश यादव है उसमें, और उसमें कुमिंस है, उसके बाद अपना मोनी मॉकल्स है, और स्पिनर्स पांच छह स्पिनर हैं, तो इनकी बैटिंग लाइनअप भी काफी अच्छी बैटिंग लाइनअप। पर टॉस जीत के बाद में चेंज करना ये थोड़ा सा हैरानगी वाली बात है, पर मैं फिर भी कहूंगा कि शुरुआत है आईपीएल की, तो हो सकता है कि वो पहले जो होता है ना अंदर थोड़ा सा कहते ना कि नर्व्स में आप थोड़ा आराम कंट्रोल कर देख लेते हैं विकेट कैसा गिर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में लगातार दागते रहे, मैं तो हर रोज उनसे बात कर रहा था। वर्ल्ड कप में एक साथ थे विक्रांत और सौरव गांगुली और टीम को सेमीफाइनल तक पहुंचाया, हालांकि सेमीफाइनल का आगे क्यों नहीं पहुंचा इसके लिए हमने इनकी क्लास ली है, वैसे आपको बता दें। लेकिन दादा, कौन फेवरेट है, चलिए ये पूछ लेते हैं, उसके बाद मिस्ट्री बॉलर की बात करेंगे, कोलकाता या फिर मुंबई इंडियंस। देखिए, T20 क्रिकेट में तो कोई भी जीत सकता है, ये बोलना सही नहीं होगा कि हम मैच शुरू होने से पहले कौन जीतेगा, लेकिन नाइट राइडर्स ज्यादा अच्छा टीम है मुंबई इंडियंस से, बैलेंस नाइट राइडर्स के टीम में ज्यादा अच्छे हैं। मुंबई इंडियंस ने शायद थोड़ी गलती की है पिछला साल, जहां उन्होंने अपने दो तीन अच्छे प्लेयर्स छोड़ दिए, ग्लेन मैक्सवेल को छोड़ दिए, मिचेल जॉनसन को छोड़ दिए, और एक दो प्लेयर्स उन्होंने ऑप्शन में गलत पिक किए। तो अगर बैलेंस देखा जाए तो मेरे हिसाब से नाइट राइडर्स का बैलेंस ज्यादा अच्छा है, और नाइट राइडर्स के लिए जो सबसे बड़ी बात है, सुनील नारायण खेलेंगे, देखना पड़ेगा कि एक्शन ठीक होने के बाद वो कैसे गेंदबाजी करते हैं, लेकिन 20 ओवर के क्रिकेट में सुनील नारायण बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या कहेंगे विक्रांत दादा? दादा को वही ना, बंगाल जो है कोलकाता में रहना भी तो है, अपने दिल से ज्यादा करीब भी है, लेकिन कप्तानी भी, दोनों कप्तानों का भी इम्तिहान है, रोहित शर्मा बनाम गौतम गंभीर। अब गौतम टीम में नहीं है, भारत की टीम में नहीं है, एक वक्त पर तो उनको भारतीय कप्तान के तौर पर देखा जा रहा था। रोहित शर्मा ने एक आईपीएल जीता है, गौतम गंभीर ने दो आईपीएल जीते हैं, अगर इन दोनों का रिकॉर्ड देखें, आप कप्तानी पर नजर डालें तो आगे रोहित शर्मा है, आगे रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा शायद ज्यादा इफेक्टिव खिलाड़ी भी होंगे, क्योंकि लगातार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट भी खेल रहे हैं। सही काम है, और बड़ा जरूरी भी है, लेकिन ये भी है मदन जी कि गौतम का अक्सर आईपीएल जीतना स्लो स्टार्ट, लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया वर्ल्ड कप में, पीक एट द राइट मोमेंट। देखिए, बहुत लंबा टूर्नामेंट है, क्योंकि इसमें यह नहीं है कि आप एक दो मैच हार जाते हैं, आप रिकवरी नहीं कर सकते। जैसे मुंबई इंडियन लास्ट ईयर 5 मैच हार के उन्होंने रिकवरी की, फिर वो प्ले ऑफ में जाके भी उन्होंने क्वालिफाई किया था, और लास्ट में चेन्नई से जाकर वो हारे थे। पर यह है कि अगर ये कैप्टन की जो आपने तुलना की थी, मेरे विचार में जो है रोहित शर्मा जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि ये मैं ओपन इसलिए कह रहा हूँ जोर से, क्योंकि एक तो है ना वो कंट्रोल अच्छा करता है। अगर आपने गौतम गंभीर को देखा होगा, वो कैप्टनसी करते हुए थोड़ा सा रफल होता है, अगर थोड़ा सा इधर उधर कुछ हो तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है, हाँ थोड़ा टेंशन हो जाती है, तो वो उसको अगर गौतम गंभीर कंट्रोल कर लेगा तो अच्छा कैप्टनसी कर सकता। दादा, कंडीशंस के लिहाज से भी तो बात बताइए ना, क्योंकि 2-3 दिन से वहां पर कोलकाता में बरसात हो रही है, मैं भी कल वहां पर समीप था और बरसात होती जा रही थी। ऐसे में ईडन गार्डन्स, अक्सर कोलकाता नाइट राइडर्स की स्ट्रेटजी थी कि टर्निंग विकेट बना दी जाए, क्या इन कंडीशंस में स्पिनर्स को उतनी मदद मिलेगी? देखिए, आज बारिश नहीं होगा, मौसम अच्छा है और ग्राउंड भी सूखा है, कल रात को बहुत बारिश हुआ था,
जिससे लगा था कि शायद आज बारिश हो सकता है, लेकिन बारिश का कोई निशाना नहीं है और अच्छा मौसम है, ठंडा हवा भी चल रहा है और विकेट बहुत अच्छा है। मैं जब 5 बजे विकेट देखा तो विकेट पे घास है, हार्ड पिच है, तो ज्यादा टर्न नहीं मिले गए। एक चीज हो सकता है कि विकेट का जो हाईकोर्ट एंड है वो बहुत हार्ड है और जो पवेलियन एंड है वहां पे थोड़ा सा रफ पैचेस है, तो हम सरप्राइज नहीं होंगे कि सुनील नारायण को शायद हाईकोर्ट एंड से गेंदबाजी कराया जाए, लेकिन ओवरऑल ये अच्छा पिच होगा, स्पिनर्स को उतने टर्न नहीं मिलेंगे इस पिच के ऊपर। तो चलिए चलिए, तो स्पिनर से ज्यादा मदद तो नहीं मिलेगी, लेकिन विक्रांत एक बात है, एक बात और रात को ड्यू भी होगी, रात को ड्यू, ये मैं पूछना चाहता हूं, लेकिन इस बारे में हम बात करेंगे। आज का स्टार परफॉर्मर समीप कौन हो? जी हाँ, हर रोज आपको स्टार परफॉर्मर ऑफ द डे भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे स्टार परफॉर्मर तो मदन जी चेतन जी हैं, क्योंकि उन्होंने बताना कि कौन होगा स्टार परफॉर्मर। आज तो अभी ये खाली दिख रहा है, लेकिन इसमें हर मैच के बाद आपको आज का उस दिन का स्टार परफॉर्मर दिखेगा, कितने रन, कितनी गेंद, क्या स्ट्राइक रेट आई, बल्लेबाजों के लिए, गेंदबाजों के लिए भी। लेकिन मदन जी, आज कौन हो सकता है स्टार परफॉर्मर? देखिए, स्टार परफॉर्मर अभी तो शुरुआत है आईपीएल की और अभी तो टीम ने सेटल भी होना है थोड़ा सा, तो इतना कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हो सकता है कि जो हमारे चैंपियन प्लेयर हैं रोहित शर्मा या अपना गौतम गंभीर हो, इनमें दोनों में से। क्या बात है, आप तो एकदम पिन पॉइंट बताना है। चेतन जी आप बताइए कौन है आज का स्टार एक प्लेयर बताइए ना। देखिए, गेंदबाज और एक बल्लेबाज। नहीं, देखो अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि दो दिन से बारिश हो रही है वहाँ पे। अब गेंदबाज ज्यादा स्टार बनता है या फिर बैट्समैन ज्यादा स्टार बनता है? हमारे स्टार बताओ। देखिए, मैं समझता हूँ कि यदि बोलिंग अगर विकेट में नमी हुई और जैसे एटमॉस्फेयर में नमी है, तो मैं समझता हूँ स्टार में बात बोल रहे और दोनों एक तरफ से मोहित वॉकर, दूसरे तरफ से लसित मलिंगा मलिंगा रोहित शर्मा और गौतम गंभीर। अच्छा, तो आगे वक्त जब किक मारो धुन से बाइक जीत के टीवीएस का चैंपियन बनो। विक्रांत जी बताएंगे आपको कि कैसे आप चैंपियन बन सकते हैं, टीवीएस की ये बाइक आप रोजाना जीत सकते हैं आज तक पर, इस सवाल का जवाब देकर कैसे करना है विक्रांत जी। आईपीएल एक चैंपियन बनेगा, लेकिन आप हर रोज बाइक जीतेंगे। T20 के सुपरहिट मुकाबलों के दौरान आज तक अपने दर्शकों के लिए लाया है खास कॉन्टेस्ट, सवाल सुलझाओ स्टार की चाबी पाओ। और हर दर्शक आसान से सवाल का जवाब देकर हर रोज एक बाइक जीत सकते हैं। और सवाल यह है कि पहला वर्ल्ड T20 किसने जीता था? ऑप्शन है आपके सामने, ए भारत, बी पाकिस्तान, सी इंग्लैंड। सवाल यह है कि पहला वर्ल्ड T20 किस टीम ने जीता था? ए बी सी। 5-2-4-2-4 पर आपको यह SMS करना है, और आप जानते हैं कि अगर आपका जवाब सही हुआ और आप लकी विनर बन सकते हैं, एक बाइक आपको मिल सकता है। आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, लॉग इन कर अपने जवाब भेज सकते हैं www.aajtak.in/sawal-sujhao। 5 बजे तक, कल शाम 5 बजे तक आप अपने जवाब भेज सकते हैं। एक बार फिर आप देखिए ध्यान से, क्योंकि बात तो बाइक की है। सवाल सुलझाओ स्टार की चाबी पाओ। पहला वर्ल्ड T20 किस टीम ने जीता था? ऑप्शंस देख लीजिए, ए भारत, बी पाकिस्तान और सी इंग्लैंड। आपको SMS करना है अपनी ऑप्शन के साथ, @ABC, जो भी आपकी ऑप्शन है, और इसे 5-2-4-2-4 पर SMS करना है। आप हमारी वेबसाइट www.aajtak.in/sawal-sulhao-star की चाबी पाओ पर भी लॉग इन कर सकते हैं, और कल शाम 5 बजे तक आपको यह सवाल का जवाब देना है। हर रोज आप एक बाइक जीत सकते हैं। कुछ देर में मैच शुरू होने वाला है, कोलकाता बनाम मुंबई। मुंबई पहले बल्लेबाजी करेगा। रात 11:30 बजे जब मैच खत्म होगा, हम अपने पैनल के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए सर।